हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विशाल कुमार और फार्मेसी स्टूडेंट स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे अगर के बारे में, जो एक फार्मास्यूटिकल एड के रूप में यूज किया जाता है, और इसे हम फार्मेसी के फार्माकोनोसिस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए सीधे टॉपिक पर चल आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि देखते हैं आप यहाँ पर हेडलाइन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हेडलाइन में टॉप आगार, इसे बहुत लोग आगार भी बोलते हैं, तो इसे उसके प्रोनाउंसिएशन से बस थोड़ा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साइनोनियम्स बोले तो इसका उच्चारण, इसका साइनोनियम्स हो गया अगर, या फिर इसको हम लोग अगर अगर बोलते हैं दो बार, इसको अगर या फिर अगर अगर, या फिर वेजिटेटिव जिलेटिन, या फिर जापानी जापानीज इंसिग्लास हो गया। जहाँ तक इसके बोटेनिकल सोर्स की बात होती है, बोटेनिकल सोर्स हो गया या फिर बायोलॉजिकल सोर्स, या फिर बायोलॉजिकल सोर्स या फिर बोटेनिकल सोर्स, दोनों का मतलब एक ही मतलब होता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स कौन कौन सा है, इसका जिलेडियम अमानसी, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है जिलेडियम अमानसी हो गया, एक ग्रेसिलेरिया एंड पेट्रोक्लाडिया, ये इसके बायोलॉजिकल सोर्स हो गए। और इसके जियोग्राफिकल सोर्स यानी यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके जोग्राफिकल सोर्स यानी यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये हमें पाया जाता है जापान वाज ओनली कंट्री हु प्रोड्यूसिंग अगर बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वार, बट नाउ इट इज प्रोड्यूस्ड इन सेवरल कंट्रीज। लाइक यानी पहले जो अगर था वह जो सेकेंड वर्ल्ड वार के, जो कि हमारा 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था, वह उससे पहले के अगर को सिर्फ जापान ही प्रोड्यूस करता था और उसे सप्लाई करता था, लेकिन अब उससे 1945 के बाद यह बहुत से देशों में पाया जाता है, जैसे कि जापान। तो जापान में हमें कौन सा अगर पाया जाता है, तो यह जिलेडियम अमानसी पाया जाता है, उसी के नाम से जाना जाता है। इससे ऑस्ट्रेलिया में ग्रेसिलेरिया कॉनफेरवोल्ड्स, या फिर न्यूजीलैंड में हो गया पेट्रोक्लाडिया लुसिडा, ये सभी मतलब कि इन नामों से इन देश में जाना जाता है। और यहाँ पर इसका कलेक्शन यानी कैसे प्राप्त किया जाता है, तो इसका प्रोसेस देख लेते हैं उसकी कलेक्शन की। सबसे रेड एल्गी आर ग्रोन इन रॉक इन शैलो वाटर और ऑन द बम्बूज बाय प्लेसिंग देम इन द ओशियन। रेड एल्गी जो लाल कवक होते हैं, रेड एल्गी आर ग्रोन इन द रॉक यानी जो होते हैं, जो रेड एल्गी होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं, और इसके ऊपर ये जो बांस होते हैं, जैसे बांस ये जिसमें बांस हो गया, यहाँ पे इसे पानी में ज़्यादा दिन तक जब छोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे लाल लाल डॉट डॉट ऐसे ऐसे इसके किनारे पे ऐसे डॉट डॉट हो जाते हैं, तो इसी का मतलब कि रेड एल्गी यहीं से उत्पन्न होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, कलेक्शन ऑफ द एल्गी आर यूजुअली मेड इन समर यानी ये अधिकतम ये गर्मियों दिनों में ही प्राप्त किया जाता है, मई या फिर अक्टूबर के महीने में। द बम्बूस आर टेकन आउट सीवीड्स एंड आर स्ट्रीट ऑफ, उसके बाद इसको गर्मियों महीने में इसे पानी से बाहर निकालेंगे और इन्हें सुखा देंगे। एल्गी आर ड्राइड सुखा एंड बीटेन विथ स्टिक एंड सेकेंड टू रिमूव सैंड एंड सेल अटैच टू देम। और उसके बाद से क्या करेंगे कि हम लोग कि इसे एल्गी को सुखाएंगे, उसके बाद इसे छड़ी की सहायता से इसे पीटेंगे, मतलब कि जो भी इसकी गर्दा वगैरह कचरा वगैरह वो सब झड़ जाए। उसके बाद इसको हिलाकर मतलब उसको हिलाकर उसको साफ कर देंगे, चाहे जितना भी कचरा वगैरह है सब निकल जाए। उसके बाद से हो गया हमारा अगर तैयार हो जाएगा। बस इसका हो गया मॉर्फोलॉजी यानी इसका अपियरेंस, ये दिखने में कैसा लगता है वो देखते हैं। चलिए देखते हैं कलर, तो इसका जो कलर हो गया येलोइस रेड क्या हो गया, येलो से मतलब कि येलो से बोलते तो येलो कलर का, टू ग्रे और ऑर्डरलेस मतलब कि ये होता है, ये ग्रे कलर का होता है,
या जैसे हमारा ये वाटर मार्क दिख रहा है भाई विशाल, ये क्या दिखा रहा है, इसी कलर का होता है। ऑर्डरलेस यानी इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, या फिर होता है तो हल्का होता है इसका ऑर्डर। देखिए यहाँ पे ऑर्डर हो गया इसका, हल्का होता है ऑर्डरलेस। यहाँ पे टेस्ट म्यूसिलिजेनियस, इसका भी टेस्ट होता है तो चिपचिपा होता है, चिपचिपा यानी ये टेस्टी टेस्टलेस बोल सकते हैं लेकिन होता नहीं। यहाँ पे सेप, इसका सेप होता है स्ट्रीस कोर्स यानी पाउडर फॉर्म पाया जाता है और जो पतला होता है सेप, इसका सेप हो गया साइज, और इसका साइज हो गया ये करीब करीब 4 मिलीमीटर ये चौड़ा होता है लंबाई में, 4 मीटर नहीं नहीं सॉरी, या लंबाई में 60 मीटर होता है लेकिन इसकी चौड़ाई होती है वो 4 mm होती है। इसकी सॉल्युबिलिटी यानी यह इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी ऑर्गेनिक जो सॉल्यूशन रहती है उसमें तो उस सॉल्वेंट में तो घुल जाएगा, बट इन सॉल्युबल इन हॉट वाटर एंड फॉर्म्स अ जिलेटिनियस सॉल्यूशन, लेकिन लेकिन यह हॉट वाटर यानी गर्म पानी में घोलने पर यह जिलेटिनियस सॉल्यूशन बनाता है आफ्टर कूलिंग हॉट सॉल्यूशन, जब इसे ठंडा करते हैं तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी इसमें क्या क्या मौजूद होता है अगर में, तो इसमें अगर इज अ कॉम्प्लेक्स हेट्रोसेक्राइड्स एंड कंटेन टू डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स, पहला अगरोज अगरोपेक्टिन यानी यह टू डिफरेंट प्रकार के पॉलीसेक्राइड्स में पाए जाते हैं, पहले अगरोज अगरोज अगरोपेक्टिन। इसका केमिकल टेस्ट यानी इसका हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि ये केमिकल टेस्ट है, फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट तो इसको कैसे पता करेंगे तो ये देखते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट टू द सॉल्यूशन ऑफ अगर इक्वल क्वांटिटी ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन एंड ए एंड बी एडेड आफ्टर हीटिंग ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड फेलिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ अगर इक्वल क्वांटिटी यानी कि अगर का सॉल्यूशन और फेलिंग्स का सॉल्यूशन ले लेंगे ए और बी। यहाँ पे हो गया मान लीजिए कि ये हमारा अगर हो गया और यहाँ पे इसमें बी हो गया जो हो गया हमारा फेलिंग सॉल्यूशन, उसके बाद इसे गर्म करेंगे तो यह हमें लाल कलर का प्रेसिपिटेट देगा। प्रेसिपिटेट बोलते इस दाने से दानेदार हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, तो अगर वैसा होता है तो हम समझ लेंगे कि ये हमारा जो सैंपल है वो अगर है। अगर ऐसा नहीं होता है प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होता है लाल कलर का, ध्यान रखिएगा लाल कलर का नहीं होगा तो ये हमारा प्रेसिपिटेट नहीं होगा, मतलब कि ओरिजिनल अगर नहीं होगा वो कुछ और हो सकता है। चलिए इसके आगे देखते हैं अगर मोल, दूसरा इसका दूसरा केमिकल टेस्ट देख लेते हैं। तो मोलिस रिएजेंट, सॉरी ये मोलिस रिएजेंट द टेस्ट इज पॉजिटिव विथ सॉल्युबल एज वेल एज इनसॉल्युबल अगर इट कंसिस्ट ऑफ थ्रेटिंग विथ कंपाउंड देन मैप्थोन एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विच गिव्स पर्पल कलर। यह कलर यह घुलनशील होता है एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो विशेष मतलब कि जो ज़्यादा होता है H2SO4 के साथ जब इसको मतलब कि सॉल्यूशन बनाएंगे तो यह हमें पर्पल कलर देगा। बस इसका टेस्ट वन अगर पाउडर और सॉल्यूशन ऑफ रुदेनियम रेड इज एडेड रेड कलर इज फॉर्म्ड इंडिकेटेड इंडिकेटिंग म्यूसिलेज अगर पाउडर सॉल्यूशन ऑफ रुदेनियम रेडी, जब इसमें हम लाल कलर का लाल रेड रुदेनियम जब इसमें ऐड करेंगे अगर पाउडर में तो यह हमें लाल कलर बना के देगा और उसमें जो चिपचिपा होगा तो भी समझ सकते हैं कि हमारा अगर है, नहीं होगा तो नहीं है। अगर इज वार्म्ड इन सॉल्यूशन, दूसरा टेस्ट आप देखते हैं अगर इज वार्म्ड इन सॉल्यूशन ऑफ KOH येलो कलर इज फॉर्म
यानी जब हम अगर को गर्म करेंगे के सॉल्यूशन से तो हमें पीला कलर देगा। और ये भी ये यानी ये जितने भी ये सब टेस्ट हैं, अगर इसमें से कोई भी एक फॉलो करता है, कोई भी स्टेप अगर इसमें से कोई भी एक फॉलो करता है, या फिर ये हो गया ये हो गया, तो मतलब कि हम कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास जो सैंपल है वो अगर ही है। इसका यूज देख लेते हैं अगर का और कहाँ का यूज करता है। तो अगर इज यूज एज ट्रीट क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एज सस्पेंडिंग एजेंट, यानी ये हमें कॉन्स्टिपेशन के लिए मतलब कि को ठीक करने के लिए ये हेल्पफुल है। जिलेटिंग एजेंट है ये, सपोर्टेड एज सर्जिकल लुब्रिकेंट, जो सर्जिकल लुब्रिकेंट है उसमें टैबलेट एक्सप्रेस एक सी पॉइंट्स होते हैं, इसको डिसइंटीग्रेट यानी ये दवाई को तोड़ने के काम में आ सकता है। और इसका उपयोग हम फार्मास्यूटिकल एड के रूप में भी कर सकते हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप मतलब चाहते हैं कि आप मतलब इस वीडियो में टेस्ट दे सकें अगर के बारे में, तो हम इस डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर टेस्ट तैयार कर लीजिए, टेस्ट दे सकते हैं वहाँ पर फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा टेस्ट, सब ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे उसमें पूछ देंगे कि इसका साइनोनियम इनमें कौन सा साइनोनियम है, बोटेनिकल सोर्स क्या क्या है, वो सब भी मतलब कि आप चाहते हैं तैयारी तो कर सकते हैं कि आपने सीखा तो वीडियो में कितना सीखा। और भाई वीडियो अगर अच्छा लगे और फायदेमंद हो तभी लाइक और सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। थैंक यू भाई, थैंक्स भाई, बाय।